ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेकर आए हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपकी और फिर आपके पार्टनर की एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी। फ्रेंड्स, ये रीडिंग सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग होगी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सन एंड मून साइन क्या होते हैं, तो मैं आज थोड़ा सा बता देती हूँ। सन साइन होता है जो हमारी कुंडली में होता है, जो हम लोग अपनी कुंडली देखते हैं, जो हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे पैदा होते ही हमारे पेरेंट्स बनाते हैं, वो हमारी कुंडली होती है। और मून साइन होता है जो कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखें डेट के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज मून साइन। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहती थी। दूसरी बात, जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है या जो बहुत बार आ चुके हैं और देखते हैं वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स अपने सब्सक्राइबर्स को अपने साथ जुड़े हुए देख के। और रीडिंग जब मैं आज बनाने जा रही हूँ, ये आपसे जितनी मैच हो उतनी ही लेना, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर ये एक पूरे साइन की रीडिंग होती है। तो कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे ये बात तो मैच होती है, ये नहीं। सो अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो लियो राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या फीलिंग्स हैं आपके मन में इस नो कॉन्टैक्ट को लेके। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। सो रीडिंग आपसे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले, ठीक है। लियो राशि सबसे पहला आया है, 10 of Swords, जजमेंट, 7 of Swords, द हेरोफेंट, 2 of Cups, 3 of Pentacles। सो लियो राशि, डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुई है आपकी रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट आया है। ये नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी इजी नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत ही आसान रहा है आपके लिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। अब या तो ये कोई साइकिल ख़त्म हुआ है या जैसे भी, बट ये जो एंडिंग हुई है ये एक धोखे की वजह से हुई है। आप में से किसी एक ने, या तो आपने धोखा खाया है या फिर किसी थर्ड पर्सन ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिलहाल आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आपने शायद या तो पॉज ले लिया है या फिर आप बिल्कुल रुक गए हैं। आपने शायद डिवाइन पे छोड़ दी हैं चीज़ें, आपने शायद डिसीज़न हर एक डिसीज़न ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। कुछ भी आप करने के मूड में नहीं दिख रहे मुझे। आप शायद लोगों से डिस्कस करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, अपनों से राय लेते हैं, अपने दोस्तों से राय लेते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कहीं भी आप कुछ करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोगों का लीगल केस भी चल रहा हो अपने पार्टनर से, या लीगल केस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है और जस्टिस सा मांग रहे हैं भगवान से हाथ उठा के। सो कुछ इस तरह की एनर्जी में आप थोड़े मुझे डिस्टर्ब नज़र आए हैं लियो राशि। और अभी शायद या तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि किसी तरह आप कम्युनिकेट करें अपने पर्सन से। ये मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट में। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं या उनकी कुछ और एनर्जीज हैं, ठीक है। उनकी एनर्जीज निकालते हैं लियो राशि, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सो लियो राशि के पार्टनर, देखिए कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कार्ड्स ऐसे जब गिरते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कोई इंसान कुछ कहना चाहता है बट सिचुएशन में वो कह नहीं पा रहा, ठीक है। सो देखें क्या आया आपके पार्टनर की। सबसे पहला कार्ड देखें, 2 of Swords, द 2 of Wands, नाइट ऑफ कॉइन्स, 4 of Coins, 10 of Swords आपके में भी आया था, देखो इनके में भी आ गया, 7 of Cups। सो कहीं ना कहीं
एंडिंग तो हुई है, एक या तो साइकिल की या रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन, डिवोर्स, जो भी आपकी सिचुएशन आप दोनों की जो भी है, ये आपको ज़्यादा बेटर पता है। बट अगर पार्टनर की तरफ से कहूँ सो बिल्कुल कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है उसके तरफ से, एकदम बंदा या ये फीमेल एकदम सब कुछ इसने ऊपर वाले पे खुदा पे छोड़ दिया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसको, कुछ भी डिसीज़न नहीं है किस तरफ जाऊँ ज़िंदगी में, कैसे दुराहे पे आके इंसान खड़ा है इस टाइम कि इसे लाइफ में आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा। हालांकि इसे ये बहुत अच्छे से पता है कि अच्छा ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं आपसे इस वक्त, सेपरेशन में तो है ही क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में है तो दूर है, बट रिलेशनशिप में इन्हें बहुत अच्छे से बहुत ही जैसे गहराइयों से पता होता है ना कि हाउ मच लियो ने कितना काम किया है और इन्होंने कितना किया है। अभी ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को अब कैसे संभालूं, जैसे दिमाग में इनके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं ये कर लूं, मैं ऐसे करके बात करूं, मैं ये डिसीज़न दूं, बट ये नहीं चाहते कि ये फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई ऐसा डिसीज़न या कोई ऐसा सिचुएशन में कोई ऐसा कुछ कर दें जिससे कि गड़बड़ हो जाए। देखें द मून का कार्ड आया, साइलेंस, बिल्कुल शांति, चुप्पी, कुछ नहीं कहने वाले आपको, कुछ नहीं बोलने वाले, सो कंप्लीट साइलेंस है इस पर्सन की तरफ से। क्यों पता है क्यों साइलेंट है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसके दिमाग में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से एंजाइटी है कि ये सब ख़त्म हो गया। डेथ का कार्ड आया ना, आप देख रहे हो तो अंदर ही अंदर एक घुटन हो गई है सिचुएशन में इस पर्सन के दिमाग में। ये है फिलहाल नो कॉन्टैक्ट में इनकी सिचुएशन, इनकी फीलिंग्स, ठीक है। अब मैं देखती हूँ क्या डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या एक आपको ऐसी सिचुएशन में वो आपको कोई राय देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से देखते हैं। सो डिवाइन मैसेजेस फॉर लियो राशि। देखो स्टिलनेस का कार्ड आया है, यानी कहने का मतलब ये है एक्सटर्नल फोर्सेस की ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये आने वाले लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऊपर नीचे ज़िंदगी में चल रहा है फिलहाल, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी रुक गई है, वो इसीलिए रुकी है कि आपको आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको एक एनर्जी दे दी जा रही है कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग के कार्ड से दिख रहा है कि अपने मन को, आत्मा को, अपनी बॉडी को थोड़ा शांत करो, साफ करो, थोड़ा जब आप पूजा पाठ करोगे या मेडिटेशन करोगे, अकेले में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से थोड़ा टाइम दूर रहोगे, तो एक बेटर पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों में आगे बढ़ोगे, ठीक है लियो राशि। तो थोड़ा शांत हो जाओ अभी ज़िंदगी में जो ये उथल पुथल मची है, इससे शांत होकर जब आगे बढ़ोगे तो लाइफ में एक बेटर पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देख पाओगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये रीडिंग मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, अगर आपको बेटर लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।